वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहन विनेश फोगाट कल 30 अगस्त के दिन श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब के अंदर नतमस्तक हुई। साथ वाली स्क्रीन के ऊपर सारे वीडियो और सारी तस्वीरें देखेंगे। जैसा हमने पहले वीडियो बनाकर बताया था कि 30 अगस्त को विनेश फोगाट श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब नतमस्तक होगी और वहां पर उनको SGPC के द्वारा भी सम्मान दिया जाएगा और श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी द्वारा भी उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये सारी तस्वीरें, सारा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, शुरू से लेके अंत तक देखना और सारी बात समझना। दोस्तों, विनेश फोगाट को भारत के अंदर बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है। पहले हरियाणा के अंदर विनेश फोगाट बहन को सम्मानित किया गया था, खाप पंचायतों के द्वारा सम्मानित किया गया था, लेकिन अब पंजाब के अंदर विनेश फोगाट पहुंच चुकी हैं। कल विनेश फोगाट ने श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब नतमस्तक होकर वहां पर माथा टेका। माथा टेकने के बाद इन्होंने प्रेस से भी बातचीत की। उन्होंने प्रेस को क्या बोला, सिख धर्म के बारे में क्या बोला, ये भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले हम यहाँ पर साइड के साइड जो तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों के अंदर मैं आपको यहाँ पर वो वाला वीडियो दिखाता हूँ जहाँ पर बहन विनेश फोगाट को सम्मानित किया जा रहा है। पहले तो जिस प्रकार से हर एक बड़े पर्सन को दरबार साहिब के अंदर SGPC के द्वारा श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब का मॉडल देकर सम्मानित किया जाता है, वो किया गया। यहाँ पर उनका सत्कार किया गया जब वो पहुंची। इनके साथ भाई मनोज सिंह दुवान भी थे और साथ में श्री अकाल तख्त साहिब जी के साबका जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर आप इन तस्वीरों के अंदर साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले उनको श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब का जो सुनहरी मॉडल होता है वो दिया गया। इसके बाद फिर उनको एक रिलीजियस बुक है वो दी गई। इसके बाद फिर एक प्रेस इंटरव्यू हुई। अब इस प्रेस इंटरव्यू के बाद दोस्तों, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर वो तस्वीरें नहीं है जिनके अंदर विनेश फोगाट को सोने की श्री साहिब भेंट की गई है, उनको सोने का मेडल भेंट किया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी के द्वारा विनेश फोगाट का श्री अकाल तख्त साहिब के ऊपर सम्मान किया गया और जिस जगह जहाँ पर यह सम्मान किया गया था वहां पर कोई भी कैमरा, कोई भी प्रेस अलाउड नहीं थी। दोस्तों, अब हम यहाँ पर बहन विनेश फोगाट का वो बयान सुनते हैं जहाँ पर उन्होंने कुछ अपने जो विचार है वो रखे हैं। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने भी अपने विचार पेश किए हैं, तो आइए इनके विचार को सुनते हैं। देखो, जब से मैं थोड़ी बड़ी हुई समझ में आई दुनिया का, तो मेरा सपना बहुत बड़ा सपना था एक, कि वाहेगुरु मुझे बुलाए, मुझे अपना आशीर्वाद बख्शे, मुझे ताकत हिम्मत दे। आज आके यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव एक फील हो रहा है मुझे। बस परमात्मा से, वाहेगुरु से बस ये आशीर्वाद लेने आई हूँ कि मेरे को ताकत और हिम्मत बख्शे। मैं जो भी जिंदगी में करना चाहूँ या हमारे आस पास के जितने भी हमारे अपने हैं वो सब स्वस्थ रहे, वाहेगुरु उन पे कृपा बनाए रखे, हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा देश उन्नति करता रहे, बस वाहेगुरु से यही है। बाबा का आशीर्वाद है, सब उनकी मेहरबानी है। मैं तो बस उनकी एक नेक बंदी मानती हूँ अपने आप को, और उन्होंने मुझे हिम्मत ताकत बख्शी है और आगे भी ऐसे बख्शते रहे। एक सही दिशा में हम एक मानवता के लिए काम करते रहे, बस ये आशीर्वाद। आगे के लिए विनेश फोगाट का क्या टारगेट है? लास्ट क्वेश्चन है जी, आगे के लिए क्या टारगेट है? आपने एक बात कही है कि आपने एक बात कही है 40 साल की उम्र में भी आप एक गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, उसके बारे में क्या कहना है? हां जी, सच्चा जो भी बड़े मॉडल ही कर लाया है। बेटी है आज दरबार साहब आई है, अचकंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब जी ने दर्शन दलारे किए हैं और साडा फर्ज सीगा कि बच्ची पूरे भारत का मान है, तो श्री दरबार साहब वालों इहदा मान सम्मान किया गया और जथेबंदियां ने भी इहदा मान सम्मान किया और ये सम्मान दे योग है। हक मीटिंग हो रही है और पंथक मर्यादा और सिख सिद्धांतों की रोशनी दे विच और पंथ दीयां भावनावां दी तर्जमानी करते ही श्री अकाल तख्त साहिब वालों फैसले लए जांदे रहे और लए जांदे रहणगे। ठीक है,
दोस्तों ये तो वो वीडियो था जो बहन विनेश फोगाट और श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी ने जो मीडिया के अंदर प्रेस के अंदर अपना बयान और अपने विचार रखे। तो मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।